बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है कि हम किस तरह विदाउट नेम एक फोल्डर बना सकते हैं या एक ही नेम पे ज़्यादा फोल्डर किस तरह बना सकते हैं, और एक ये ऑप्शन है कि हम किस तरह अपने फोल्डर के लिए एक इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं या एक फोल्डर पे किस तरह हम पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएशन के लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा और डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू पे आओगे, और न्यू पे जाने के बाद आपको इसे रिनेम करना होगा। रिनेम की शॉर्टकट की है F2 है, और अगर शॉर्टकट की आपको नहीं आती तो फोल्डर पे राइट क्लिक करके रिनेम पे आओगे। रिनेम पे जाने के बाद आप इसे रिमूव करोगे और इसकी सेंटर में आप राइट क्लिक करके ही एंसर जीनी कोड कंट्रोल करेक्टर पे आओगे, और जो फर्स्ट वाले कमांड है आप इसको क्लिक करोगे तो एक हमारा जो फोल्डर बन गया विदाउट नेम। तो देखिए, हम इस तरह एक फोल्डर विदाउट नेम बना सकते हैं। और अगर मैं दूसरा फोल्डर बनाना चाहूँ, राइट क्लिक इंसर्ट जीनी कोड कंट्रोल करेक्टर, तो देखो हमारे पास जो फोल्डर विदाउट नेम बन गई। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे जाना होगा। अगर आप एक और बनाना चाहते हैं रिनेम करोगे, इसके लिए आपको राइट क्लिक इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल करेक्टर और 3 या 4 स्टेप पे आओगे, तो ये भी विदाउट नेम बन गई। तो विदाउट नेम फोल्डर बनने के लिए हम किस तरह विदाउट नेम फोल्डर बना सकते हैं, किस लिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फाइल ये फाइल है हमारे सिस्टम में, और मैं इसको यानी लोगों से अपने दोस्तों से हाइड करना चाहता हूँ, तो ये फोल्डर तो अभी फिलहाल डेस्कटॉप पे मौजूद है। जब भी कोई दोस्त कोई दूसरा बंदा आएगा और इस पर क्लिक करते ही ये फाइल चेक करेगा। लेकिन अगर आप इसे डेस्कटॉप पे ही शो करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को दिखाई ना देता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इसकी आइकन हमारी नज़रों से गायब हो जाए, तो सबसे पहले आपको जाना होगा राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टीज पे आओगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको जाना होगा कस्टमाइज पे, और कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको चेंज आइकन पे क्लिक करना होगा। चेंज आइकन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ एमपीटी आइकन मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्पिटी आइकन मौजूद है, ये जो है ये सब एम्पिटी है, ये इन नज़रों से हाइड। आप एक को सिलेक्शन करते हैं और अप्लाई करें, तो जो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे मौजूद था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये फोल्डर दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक। ये फोल्डर हमारे पास मौजूद है लेकिन ये लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप जिस तरह भी माउस को इस तरह ड्रा करोगे तो फिर इस फोल्डर का निशान नहीं आपको शो करेगा। और अगर आप एक फोल्डर पे यानी एक ही नेम पे ज़्यादा फोल्डर बनना चाहते हैं, यानी बनाना चाहते हैं कि मैं एक ही नेम पे ज़्यादा फोल्डर बना सकता हूँ कि नहीं, तो हाँ, आप एक ही नेम पे ज़्यादा फोल्डर बना सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा व्यू पे और ये फिर फोल्डर पे जो नेम आप उसे देना चाहते हैं वो टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने दिया साइबर आईडी का नेम, एक बन गया। अगर दूसरा बनाना चाहते हो तो वापस क्या करोगे, तो ये क्या कह रहा है कि आपका एक फोल्डर साइबर आईटी पे बन चुका है, आप दोबारा यानी दूसरा फोल्डर नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ पे पहले टाइप करोगे साइबर आईटी, फिर इसके सेंटर में राइट क्लिक इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल करेक्टर, यानी फर्स्ट से लेकर ईयर तक आप अगर चाहो तो 1000 फोल्डर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दूसरा ही बनाया। अगर तीसरा बनाना चाहते हैं तो ये भी आओगे राइट साइबर आईटी,
इसके बाद सेंटर पे क्लिक करोगे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल करेक्टर पे और आप यहाँ पे आओगे राइट लेफ्ट बार, यानी आप जितनी भी बना सकते हैं, यानी जितनी भी चाहो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फोल्डर पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी रिस्ट्रिक्शन देना चाहता हूँ अपने फोल्डर पे, तो मेरे पास अभी एक फोल्डर है जिसका नाम है साइबर आईटी, और इस फोल्डर में मैंने ये फाइल यानी पुट किया। तो अगर कोई दूसरा बंदा आए तो इस फाइल को इस तरीके से चेक कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फाइल मेरा डेस्कटॉप पे मौजूद है, यानी जो फोल्डर है, मैं उन पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी इससे लोगों से इस पे पाबंदी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको स्टेप फॉलो करना होगा, राइट क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज की होगी, प्रॉपर्टीज के जाने के बाद आपको सिक्योरिटी पे जाना होगा, और सिक्योरिटी जाने के बाद यहाँ पे जो अकेला है यानी साइबर कंप्यूटर, साइबर कंप्यूटर एडिट पे आओगे, फिर दोबारा कंप्यूटर पे, और जो डिनाई के ऑप्शन है उन सबको चेक ऑन करोगे, फिर यस करोगे, ओके करोगे, दिन ओके करोगे, तो आपका जो फोल्डर था वो मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शन मिलेगा। ये कोई दूसरा बंदा अगर इस फाइल को चेक करेगी तो ये शो नहीं करेगा, यू कांट कंटिन्यू है परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, क्लिक कंटिन्यूसली परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। यानी अगर आप इन फोल्डर को चेक करना चाहते हो तो आप इसके लिए परमिशन लाजमी करना होगा। अगर वो चाहे कि इसमें मेरे जो फोल्डर है उस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है, अप्लाई किया है, लेकिन मैं उनकी ये फोल्डर जो है वो मैं वो ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी ये फोल्डर है जो फोल्डर मौजूद है मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस फोल्डर को डिलीट करना चाहे तो फिर भी ये फोल्डर डिलीट नहीं होगा, यानी बार बार ये कमांड आपको शो करेगा कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा इस अमल से, तो ये लाजिमन क्या करेगा, उसको कैंसिल करेगा, और फिर अगर करे तो फिर भी परमिशन इसे नहीं देगा। अगर हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे आओगे, सिक्योरिटी पे या अकेला जो है एडिट पे आओगे, और दोबारा इस पे रिमूव करोगे, अप्लाई करोगे, ओके करोगे, और ओके अगर दोबारा इसे चेक करें तो खुद को खुद ही क्या होगा, फाइल ओपन हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।